आज हम मटन मरक बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मटन मरक बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मटन, पुदीना, चार हरी मिर्च, कोथमीर, दो बारीक कटी हुई प्याज, एक चम्मच शाह ज़ीरा, आठ लौंग, आधा चम्मच कबाब चीनी, तीन इलायची, आधा चम्मच काली मिर्च, तीन साबित दालचीनी, ये पांच हरी मिर्च है जिसको मैंने पीस लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, आधी ग्लास दूध, पिस्ता, बादाम और कुछ काजू, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में दो चम्मच तेल डालिए और उसमें कबाब चीनी, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी और शाह ज़ीरा डालकर तल लीजिए। कुछ देर बाद दो बारीक कटी हुई प्याज डालिए और इनका हल्का कलर चेंज होने तक तलिए। अब इसी में मटन डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसमें दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। और साथ ही इसमें डालिए हसबे जायका नमक, एक चौथाई हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और इन्हें अच्छे तरीके से मिला लीजिए। इसी में पांच पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए। इन्हें अच्छी तरीके से मिलाने के बाद कोथमीर और पुदीना डालिए। मटन को गलाने के लिए इसमें दो ग्लास पानी डालिए। अब इस पर ढक्कन लगा दीजिए और पांच सीटियों तक पकने दीजिए। तब तक मटन गल रहा है तब तक हम एक पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए बादाम, काजू और पिस्ता को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। अब इसी मिक्सचर में 50 ml दूध डालिए। दूध डालने के बाद इसको फिर से ग्राइंड करिए। पांच सीटी हो गए हैं और मटन अच्छे तरीके से गल गया है। अभी जो दूध का मिक्सचर हमने बनाया था उसको इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च को डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इसको ढक्कन ढक कर 5 मिनट के लिए और पका लीजिए। मटन मरक तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।